दिनांक 24 अक्टूबर 2021, दिन रविवार। ये दिन हमारे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस दिन हमने यानी फ्लाइंग जहाजी ने अपने जीवन का एक महान काम किया। क्योंकि ये काम हर इंसान के जीवन में बहुत ही खास होता है। अगर आप लोगों ने इस काम को कर दिया तो एक दिव्य अनुभूति होती है, अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कौन सा तीर मार दिया ये फ्लाइंग जहाजी ने आज। तो वो तीर देखने के लिए, वो कौन सा तीर हमने मारा, वो तीर देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने अगर ये पूरा वीडियो देखा तो आपको वो खुशी, वो सुकून महसूस होगा जो हमको महसूस हुआ ये महान काम करने के बाद। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल फ्लाइंग जहाजी। तो आज मतलब कि ब्लॉग की दुनिया में ना मेरे चैनल पे सबसे अलग ब्लॉग आने वाला है ब्लड डोनेशन के लेके। और ये ब्लॉग मेरा मान के चलिए कि रक्तदान समूह, जो कि सनातन रक्तदान समूह जो कि बादल भैया चलाते हैं समस्तीपुर में, उनके माध्यम से यहाँ कॉलेज में रखा गया है। तो बहुत सारे युवा भी आए हैं रक्तदान करने के लिए। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि कम से कम लोगों को तक पहुँचाएं इस न्यूज़ को, इसको हम बताएं कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी एक्साइटेड हैं रक्तदान के लिए करने के लिए। तो इसी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे बादल भैया और आज़ाद भैया और हमारे आज़ाद भाई अभी जस्ट तुरंत खूनदान किए, यानी कि रक्तदान किए हैं। तो और ये भाई भी अभी रक्तदान हो गया इनका भी। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो अभी यूथ है उसके लिए अभी रक्तदान बहुत ही, रक्तदान महाकल्याण, आप लोग सुने होंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी। और हमारे सन्नी भाई अभी रेडी हो गए हैं रक्तदान के लिए। गुलशन मतलब कि यह मुहिम से लेके सारा कुछ, यानी बर्थडे में कुछ नया मुहिम और ब्लड दान यानी रक्तदान, सारा कुछ ये मतलब सबसे आगे रहता है। फाइनली सन्नी और गुलशन दोनों आ गया ब्लड डोनेशन करके। तो इसे रिव्यू लिया जाता है कि भाई क्या फील कर रहे हो अभी, क्या सन्नी क्या हाल? सब गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब बढ़िया। गुलशन बहुत बढ़िया, एक्साइटेड थे 5 दिन से, जब से पता चला फीवर होने के बाद ही आए। अच्छा, और अभी जूस मिला है बेचारे को। तो हमारे साथ अभी भैया जुड़ चुके हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। तो अभी रक्तदान सनातन रक्त, श्री पटन देवी जी गौमान सेवा संस्थानम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बिहार प्रदेश संयोजक हूँ रक्तदान महादान का। मैंने अभी तक अपने जीवन का 44वां रक्तदान परसों ही किया है। अच्छा, मतलब कि अभी आपका उम्र मेरे ख्याल से 30 से 35 साल होगा और 44 से? मेरी उम्र 43 इयर्स हो गई। अच्छा, ठीक है। और मैंने 44 बार रक्तदान किया। और हमारे साथ एक भैया और हैं जो अभी कैंप पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? बहुत अच्छी बात है, जितने लोग रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान करना चाहिए और इससे फायदे आपके शरीर को भी है, नेशन के लिए नेशन के कार्य के साथ साथ हम अपना भी कार्य करते हैं, करके रक्तदान संवारेंगे हिंदुस्तान। जितने युवा साथी हमारे जो रक्तदान कर रहे हैं उनके सभी के लिए बेस्ट विशेष है, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर रक्तदान के क्षेत्र में जितने सामाजिक कार्य है उसमें हिस्सा लेते रहे। ये स्कूल कॉलेज का परिसर है, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट विद्यार्थी आए हुए हैं जो अपना, क्योंकि पढ़ाई से शिक्षा से ही अपने देश को सुधार सकते हैं, तो ये एक अच्छी काम है। और इसके साथ ही ये कार्य स्कूल परिसर में, कॉलेज परिसर में हमारे समाज को और हमारे देश को एक निश्चित रूप से एक नई ऊँचाई प्रदान करेगा। बहुत बहुत आभार इस लाइफ के लिए आपका। चलिए, धन्यवाद।
पूरा क्या गजब का सीन है, मतलब कि खून दिया उसके बाद खट खट खा रहा है एकदम। इतना कमजोर हो गया कि सोते सोते आराम से जूस पी रहा था। हो गया हो गया, उठ जा भाई उठ जा आ जा। तो गौतम कैसा फील कर रहे हो भाई, कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा बहुत ऐसी रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए बैठो, आराम से बैठो पहले। तो हमारे साथ अभी समस्तीपुर के बादल भैया जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको चेहरे से जरूर जरूर जानते होंगे और नाम भी बहुत ज़्यादा चलता है इनका, तो उनसे अब कुछ पूछते हैं। और रक्त सनातन रक्तदान समूह का ये सारा कारोबार संभालते हैं, इनसे बात करते हैं हम लोग। बादल भैया जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद उत्सव भाई, आपने यहाँ आकर ये प्रयास किया कि रक्तदान की इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाए और काफ़ी आवश्यक भी है। मैं समस्तीपुर के युवाओं का धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से, जो पिछले 5 सालों से लगातार जो हमारी मुहिम रक्तदान के क्षेत्र में जो लोगों को जागरूक करने की मुहिम है वो आज शहर से निकलकर गांव गांव तक पहुँच चुकी है। और ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगना ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, जो धर्म के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है। रक्तदान करने से हम अगर नियमित रक्तदान करने वाले लोग हैं तो रक्तदान करने से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जांच जो ब्लड बैंक के द्वारा किए जाते हैं वो हमारा होता है। एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, महिलाएं 3 बार रक्तदान कर सकती हैं। ये अंतराल है 3 महीने के अंतर पर, 90 दिन के अंतर पर लड़के यानी पुरुष, और 120 दिन के अंतराल पे महिलाएं, जिनका हीमोग्लोबिन पुरुष का 12.5 ग्राम और महिला का 11.5 ग्राम से ऊपर है, वजन 45 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान से किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है, कोई घाटा नहीं है, सैकड़ों तरीके की बीमारियां खत्म होती हैं और आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आपने जो रक्तदान किया है उससे निश्चित रूप से किसी न किसी असहाय व्यक्ति का जीवन बचेगा। मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति जिसको 1 यूनिट ब्लड नहीं मिल रहा है, रक्त की कमी हो रही है, परिवार में कोई देने वाला नहीं है या फिर ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध नहीं है, उस व्यक्ति के लिए 1 यूनिट ब्लड मतलब आपका 5 मिनट का किया हुआ रक्तदान उस व्यक्ति के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। अगर उसको उसी समय उस वक्त रक्त नहीं मिले, खून नहीं मिले, तो व्यक्ति की जान जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगा यूथ से और निवेदन करूंगा समाज के बड़े भाइयों से, युवाओं से, कि इस मुहिम को समझें और इस मुहिम को समझकर अपने युवाओं को प्रेरित करें, जागरूक करें रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाने। चलिए धन्यवाद भैया। हमारे सामने अभी कॉलेज के अध्यक्ष अंकित भाई जुड़े हुए हैं। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अच्छा। आज डॉक्टर एल के विट कॉलेज पे सनातन रक्तदान समूह के द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे इसके सनातन रक्तदान समूह के संस्थापक हैं बादल सिंह जो कि समस्तीपुर के हैं, उनके माध्यम से आज हमारे बहुत सारे भगवा वीर रक्तदान किए हैं। तो आकर अपना 1 यूनिट ब्लड यानी जितना आपको इच्छा हो उतना ब्लड दीजिए और कहीं ना कहीं आपके 1 यूनिट ब्लड से न जाने कितने अनजान परिवार को जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड समय पर नहीं उपलब्ध हो पाता उनको ब्लड मिल जाएगा और आपके वजह से किसी का ज़िंदगी बच जाएगा। और दूसरा फायदा यह है ब्लड डोनेशन करने का कि अगर आप साल में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपके शरीर का जितना भी गंदगी होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके 2 फायदा, कहीं ना कहीं आपके पास अगर कुछ नहीं है दान करने के लिए तो रक्तदान महादान,
और आपके रक्तदान से कहीं तीसरे लोग का फायदा हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है, तो मैं सभी लोग से आग्रह करेंगे रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। और फ्लाइंग जहाजी भी आप लोगों से अनुरोध कर रहा है कि रक्तदान कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। और खासकर सनातनी धर्म से लेके जो अभी रक्तदान समूह है शुरू से ही चलता आ रहा है, तो लोगों के बचाव के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ब्लड दीजिए और तो खुद नहीं कर रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्लड डोनेशन हो रहा है, वो भी कॉलेज से, तो देखते हैं कैसा आता है। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम जो है अभी डोनेशन का फर्स्ट टाइम चल रहा है काम, वो भी विशाल भैया बोल रहे हैं कि भाई कर लो तो तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा। वैसे ही सनातन धर्म में रक्तदान महाकल्याण मना के जैसा कि आप सभी को पता है, मौका दीजिए अपने लहू को दूसरे के रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है एक साथ कई दुश्मन जिंदा रहने का। तो इस काम को आज उत्सव जी ने बखूबी निभाया है और इन्होंने अपने लाइफ का पहला रक्तदान किया है। तो इसके लिए पूरी निगामिया ब्लड बैंक की टीम और सनातन रक्तदान समूह समष्टि गुण इनका आभारी है। और ऐसे ही आप लोगों के लोग भेंट करते रहे, युवाओं को जोड़ते रहे और युवा जोश के साथ रक्तदान करते रहे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप हर 3 महीने बाद रक्तदान करें। और जैसा कि हमारे भाई लोग भी हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं उन्होंने भी अपना रक्तदान किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज युवा पीढ़ी रक्तदान के प्रति इतने जागरूक हैं, सब लोग सामने आ रहे हैं और अपना रक्तदान कर रहे हैं। और अब बताइए आपका तो रक्तदान पूरा हो गया उत्सव जी, अभी हमको कुछ पता नहीं चला भाई जैसे थे वैसे लग रहा है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप अपने ब्लॉग के माध्यम से आप अपने चैनल के माध्यम से और युवाओं को जागरूक करें ताकि वो लोग आगे भविष्य में रक्तदान करें, ताकि रक्त की कमी नहीं हो, रक्त की कमी से कोई नहीं मरे। तो हम लोग यही प्रण लेना चाहिए, आपसे यही सीख लेना चाहिए युवाओं को कि उम्र वो ताज नहीं है किसी भी काम को करने का। जब 18 साल हो गया, जब आप वोट दे सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो रक्तदान क्यों नहीं कर सकते हैं। रक्तदान आप सब आए और रक्तदान जरूर करें। जय सनातन, जय सनातन रक्त समूह, महादान महादान। तो फाइनली गाइस, अभी हम जो है रक्तदान कर चुके हैं और मेरा कोई प्लान नहीं था लेकिन एकाएक बन गया। अचिंत भाई के कहने और हाँ, अचिंत भाई, विशाल भाई और गुलशन भाई, इतना क्या ही बताएं, नहीं करता ना आज तो। और डॉक्टर साहब यही हमारे रक्त लिए हैं अभी। क्या हाल है डॉक्टर साहब? सही है। तो फर्स्ट मेरा ये जो फर्स्ट ब्लड डोनेशन का एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोगों के सामने ये शेयर भी करेंगे। गाइज, अभी हम भी दे दिए हैं, मतलब कि मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था और कुछ खास नहीं लग रहा है। मतलब कि जो होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि चक्कर लग रहा है, बुखार लग गया, ये सारा कुछ होता है नहीं है, ठीक है। हमको अभी हम भी लेटेस्ट में खुद दिए और वो भी फर्स्ट टाइम दिए हैं, तो कुछ खास लगा नहीं हमको, ठीक है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और सनातन रक्तदान समूह को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए आप लोग। और समस्तीपुर से हैं तो आपको तो पता ही होगा, और ताजपुर में पहली बार कॉलेज में लगा है मेरे ख्याल से, तो कॉलेज से ही हम शुरुआत कर दिए हैं रक्तदान। तो ये जो अभी ब्लड डोनेशन का जो टाइमिंग रखा गया था, तो आज दिन है संडे और संडे के 10 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइमिंग रखा गया था। और हम अभी अब हम बोल रहे हैं भाई, अच्छा अच्छा जा रहे हो अभी, अचिंत भाई जा रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन का टाइमिंग रखा गया था यहाँ पे 10 बजे से 3 बजे तक रखा गया था, जो सनातन रक्तदान समूह के द्वारा रखा गया था ये टाइमिंग। और हम खासकर लगभग 12 बजे के आसपास में आए, तो थोड़ा सा लेट कर दिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो दे के चले गए।
रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन, ओ आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन, सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन, ओ आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन। मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्लड डोनेशन हो रहा है। रक्तदान ही महादान है, याद रखेंगे ये लेसन, आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन, ओ आओ मिलकर आज करे हम ब्लड तो फाइनली गाइज हम लोग ब्लड डोनेशन कर लिए हैं, और हमारे साथ गुलशन, पीछे सन्नी और मैं फ्लाइंग जाजे, और ये हम लोग का सर्टिफिकेट मिला है। तो आप लोग भी रक्तदान कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। वैसे भी कहा गया है रक्तदान महादान। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी फिर बाकी शेयर करिए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।